सो गाइज हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड आज के लिए हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून। तो सबसे पहले हम मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट की मेट्रो लेंगे और मेट्रो हमारी आ चुकी है जिसमें हम बैठेंगे। और यहाँ पे ये है हमारा बस का फर्स्ट होल्ड। यहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाते हैं और ये है हमारी बस, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज हेलो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है एंड आई थिंक सो टाइम क्या हो रहा है 6:30 बज गए हम सुबह के और आज डेट है 4 जुलाई और आज सावन की शुरुआत हुई आज के दिन से। सो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। रात में हम निकले थे नेपाली फार्म, जा रहे हैं नेपाली फार्म, एक अलग ही नाम है उसका। ओके सो गाइस अभी अपन उतर चुके हैं, बस अपनी वहाँ पीछे खड़ी है एंड यस मौसम बहुत सही हो रखा है यहाँ पे, तो हवा चल रही है। सुबह 6:30 बज रहे हैं, यहाँ से हम लेंगे अभी रिक्शा, अभी हम जा रहे हैं तपोवन। ओके ओके सो गाइस अभी के लिए अपन पहुँच चुके हैं तपोवन एंड यस सब हम धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी होटल ढूंढ रहे हैं, होटल मिलेगा फिर वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे, थोड़ी नींद भी आ रही है, नींद लेके फिर निकलेंगे हम गंगा के पास, वहाँ जाएंगे थोड़ा नहाएंगे, मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे लीजिए दर्शन करिए मंदिर, राधे कृष्ण मंदिर, मंदिर भी अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और आरती मेरे ख्याल से शायद से हो चुकी होगी, अगर हमने मिस करा तो कोई नहीं, हम शाम वाली आरती लेंगे एंड इसके बाद का प्लान कहाँ बनाएंगे वो तो अभी पता नहीं है, बट बनेगा बहुत जल्दी। ओके सो गाइस गंगा के घाट के पास हम गए थे, वहाँ पे होटल देखने के लिए, बट वहाँ पे कुछ नहीं मिला। बस भाई अभी खोज अपनी जारी है होटल के लिए, होटल मिलते तुमको होटल दिखाएंगे। सो गाइस रूम हमने ले लिया है, होटल हमने ले लिया, मैं तुमको रूम दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे ये देखो कैसे बैठा है मस्त मज़े से, ये बालकोनी है इसकी एक तरीके से और ये अपना रूम है। सही है भाई, बढ़िया एकदम, सस्ता टिकाऊ सुंदर। ये वॉशरूम, यहाँ बैठ कर तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी इच्छा। बाकी अभी अपन यहाँ रेस्ट करेंगे, थक चुके हैं, बालकोनी बढ़िया वैसे, यहाँ बैठ के अपन चाय भी कर सकते हैं ना, चाय वगैरह पी लो, खुलता है ना, ये खुलता होगा, हाँ ये खुलता है। अच्छा ये उधर गेट है ना। ओके सो गाइस रेस्ट वगैरह करने के बाद हम वापस उठ चुके हैं एंड अब हम जाएंगे यार ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड बाद में कैसे हो रहा है, जस्ट नहा के आए हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जाएंगे, देखो मार्केट पूरी खुल चुकी है, सुबह के टाइम कुछ इतना नहीं था, मेन रोड पे हमने हमारा होटल है का, ठीक है अच्छा खासा रूम है, बढ़िया रूम है, सस्ते में होगा जुगाड़ बहुत ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन की ज़्यादा देगी अपनी ट्रिप थी नहीं। बाकी अभी के लिए हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या होगा। सो गाइस आपने होटल तो देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ होटल का रिसेप्शन एरिया, तो ये है। अभी हम आ चुके हैं होटल से बाहर एंड अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, देखते हैं नाश्ते में क्या होगा। टाइम क्या हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12 बज चुका है, निकलते निकलते चलो भाई ब्रेकफास्ट आ गया अपना। और सारे ढाबे पहली बात तो यहाँ पे बंद पड़े हैं, हम बहुत सी दुकान देखो, वो जो दुकान थी ना सब पे देखा सब बंद पड़ी है ना, यहाँ पे आके छोले कुलचे खा रहे हम, 3 पे टाइम लगाइए, चाय आ रही है, चाय वहाँ से आ रही है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी के लिए ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है और हम जा रहे हैं वापस से जहाँ से सुबह आए थे, 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ी थी हमने, इसकी टांग भी टूट गई थी लिटरली, ये रास्ता देखो पूरा नीचे की तरफ का 1.5 किलोमीटर, देखो मैं दूसरा एंगल से दिखाता हूँ, ये देखो भाई वापस हम उसी तरफ में जा रहे हैं जहाँ से सुबह आए थे, जहाँ सुबह घूम रहे थे हम गंगा जी के पास, वहाँ पे कोने पे वहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा डुबकी मारने के लिए, फिर उसके बाद मज़ा आएगा बाद में। और अभी के लिए अपन आ चुके हैं घाट पे, घाट पे क्या यहाँ पे गंगा के बिल्कुल किनारे, मस्त यहाँ पे पता बिल्कुल प्यारी हवा चल रही है बढ़िया वाली, ये देखो बनियान पहन के रेडी है, मैं भी बस कपड़े उतारेंगे और हम मारेंगे डुबकी
पानी कैसा है? पानी ठंडा है वैसे। पानी लेकर बात करूँ देखो, पानी थोड़ा गंदा चल रहा है क्योंकि बारिश आ रही है और पहाड़ों पे बारिश आती तो कीचड़ आती ही आती है। उस चक्कर में तुमको दिखा दूँ पानी एक बारी। वैसे पानी बहुत ठंडा लिटरली। देखो ये मेरे पैर में छाला पड़ गया था, नसे फूल गई एकदम पानी ठंडे पानी से। ये यहाँ जब से बैठा हुआ ही है और हम मज़े कर रहे हैं, पानी ठंडा है, मज़ा आएगा। अभी हम जाके थोड़ा सा एक डुबकी मारेंगे। देखो चाचा जा रहे हैं, बाकी मौसम प्यारा। तो गाइस अभी के लिए हम नहा लिए बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आया पूरा। समथिंग हम मेरे ख्याल से कितने 2 घंटे ना, हाँ हम पूरा गाइस 2 घंटे नहाए, 2 घंटे से ज़्यादा ही नहाए हैं। एंड यस अभी तो पीछे चाय की एक दुकान है, चाय पियेंगे फिर तो इसके बाद आगे जाएंगे कुछ खाएंगे, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम मेरे ख्याल से 3:30 बज चुका है, 3:30-4 बज चुके हैं। फिर आरती होगी शाम 7:30 या 7 बजे समथिंग आरती होगी, वो देखेंगे मज़ा आएगा। मौसम ठीक रहा तो हम डेफिनेटली वहाँ जाएंगे देवप्रयाग, वहाँ का प्लान पूरा बन चुका है। अगर मौसम ठीक रहा तो देवप्रयाग मिलेंगे। तुम देखो ये पता है यहाँ पे हवा बहुत प्यारी चल रही है अभी, जैसे हम वहाँ से आए और हवा ठंडी हो चुकी है। चाय वाय पीने के बाद वहाँ से निकलने के बाद अब हम देख रहे हेका कॉफ़ी, उसका नाम है कॉफ़ी की जवानी, और ये लोग शार्क टैंक इंडिया पर आए थे। और अभी हम इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं ये कैसी है। 125 रुपीज़ की ये एक बॉटल है, एंड क्योंकि ये बॉटल भी दे उसका प्राइस भी इंक्लूड उसमें रहता होगा। वैसे कॉफ़ी नॉर्मल समथिंग 50-70 मिल जाती है, बाकी देखते हैं अभी के लिए इसका टेस्ट कैसा होगा, पी के रिव्यू देंगे आज हम। पी के देखते हैं सही है, एकदम हैवी टाइप है, रोस्टेड है की। एक बार तो शेक कर ले वापस, अब तो शेक तो कहीं है, क्या ही होगी, मुझे ऐसा लगानी पड़ेगी। जितना प्राइस है ना कुछ ज़्यादा ही रोस्टेड है, ये दूसरी लेनी चाहिए थी, बट ठीक है ट्राई करना गाइस, बढ़िया है, ठीक है, अच्छी है।